राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 4 वर्षों के बाद आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में करेंगे चुनाव प्रचार। लालू हेलीकॉप्टर से कुशेश्वर स्थान और तारापुर में राजद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। लालू के करिश्मे के सहारे राजद दोनों विधानसभा उपचुनाव में अपनी नैया पार लगाना चाहता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे के बाद आज वोट मांगने कुशेश्वर स्थान और तारापुर जाएंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए वो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव 2015 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। लालू प्रसाद यादव की जनसभा के लिए पार्टी स्तर पर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। आज हेलीकॉप्टर के जरिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर जाएंगे और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर उपचुनाव होना है। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव भी लगातार इन दोनों सीटों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव 2015 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए निकलेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में बंद थे, जिसकी वजह से वो चुनावी गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाए थे। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में सरकार बनाने के बाद अब चुनाव में बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने प्रत्याशियां कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उतार चुकी हैं। पटना लौटने से पहले दिल्ली में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरजेडी का स्पष्ट जनाधार है, हारने के लिए कांग्रेस को सीटें नहीं दी जा सकती हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का करिश्मा भी अब सामने आएगा। जिन दोनों सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद लालू के करिश्मे का इंतजार कर रही है, ऐसे में देखना होगा जब आप चुनावी सभाओं को लालू प्रसाद यादव संबोधित करेंगे तो ऐसे में कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता को वो क्या संदेश देते हैं। मुखर संवाद के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।